स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। पिछली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को कर रहे थे और हमने साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम करवाया था। यहाँ भी हम एक बार साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम का रिवाइज जो पिछली वीडियो में करवाए थे वो कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है और इसका हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। यहाँ लिखा रहेगा फाइंड रिमाइंडर, इसको हमको कैसे लिखना है। पिछली वीडियो में बताए थे कि सिंपली इसको डिवाइड कर लेना और जो पावर है वो जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर हम देके फिर से हम डिवाइड करेंगे। सात को अगर ग्यारह से डिवाइड करें, ग्यारह को अगर सात से डिवाइड करें रिमाइंडर चार आएगा और चार का पावर सतहत्तर हम लिख के फिर से सात से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम क्या बताए थे, चार का एक पावर लेंगे और जिससे हम भाग दे रहे हैं सात उसको देखेंगे और रिमाइंडर क्या आ रहा है। चार का पावर एक से भागा सात के रिमाइंडर चार आया, चार का पावर दो भागा सात के रिमाइंडर दो आया, चार का पावर तीन इसको फिर सात से डिवाइड किए तो कितना आया एक। जैसे ही हमारा रिमाइंडर एक आ जाता है जिस पावर के बाद, उस पावर के बाद हमारा क्या होता है कि रिमाइंडर फिर से अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो हमारा एक पैटर्न यहाँ डेवलप हो रहा है कि तीन पावर के बाद ये रिपीट करेगा, यानी हमको देखना है कि ये पावर जो है सतहत्तर ये तीन से कितना साइकिल कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सतहत्तर को तीन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पचहत्तर, यहाँ रिमाइंडर दो है, यानी कि तीन का वो पच्चीस बार तीन का वो साइकिल कंप्लीट करेगा और दो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो दो एक्स्ट्रा बच गया तो ये जो दो पावर है चार का दो पावर को अगर हम सात से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है दो, तो इस प्रश्न का आंसर दो हो जाएगा। यहां तक हम पिछली वीडियो में करवाए थे साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम पे। इससे पहले हम बताए थे कि अगर एक पावर पे यानी कि अगर रिमाइंडर एक आ रहा है तो वो क्या करेगा अपने आप को फिर से रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा। अगर माइनस एक रिमाइंडर आ रहा है तो वो क्या करेगा अपने से डबल टर्म पे रिपीट करेगा, यानी दो टर्म पे अगर माइनस वन रिमाइंडर आ रहा है तो अगले वो चार टर्म के बाद फिर से रिमाइंडर को रिपीट करेगा। अगर पांच टर्म के बाद माइनस आ रहा है तो अपने आगे दस टर्म के बाद रिमाइंडर रिपीट करेगा। यहां तक हम बताए थे। इससे आगे हम को पढ़ना था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक थ्योरम। तो इस थ्योरम से पहले हम कुछ सवाल करते हैं उसके बाद हम ये थ्योरम बताते हैं। 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 4 प्लस डॉट 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 ये 10 का पावर 100 तक है। इसको हम अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको निकालना था। तो आप एक देख रहे हैं 10 का पावर 1 यानी कि 10, इसको यदि हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, 10 का पावर 2 यानी 100 को हम 6 से डिवाइड करें फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, 10 का पावर 1000 को अगर ये 10 का पावर 1 10 का पावर 3 ये 1000 होता है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में प्लस का साइन है सारी जगह, फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 ये कितना बार जुड़ा हुआ है 100 टाइम जुड़ा हुआ है। किसी सेम संख्या को अगर एन टाइम्स जोड़ा जाए तो एन इंटू वो संख्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा एक। फिर से हमको ये आ गया, हमको जिससे भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे बड़ा आ गया, लेकिन रिमाइंडर तो इससे छोटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर से एक बार डिवाइड करेंगे उसी संख्या से। तो हम 6 से डिवाइड किए तो यहाँ क्या आ गया 4 रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी 4 आ जाएगा। अभी बताए कि 100 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर, ये क्या आ गया 16, फिर 6 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 6 दुना 12 4 एक्स्ट्रा 4, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 4। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हैं। और अगला और हम एक प्रश्न लेते हैं और इससे
आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक प्रश्न है 81 का पावर 67 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 82। अब हमको इसका रिमाइंडर निकालना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसके लिए हम क्या बताए थे, पिछली वीडियो में बताया गया है कि इस नंबर से एक बड़ा या छोटा देखना जो इसका मल्टीपल है। तो एक ये क्या है, एक छोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ 9 है तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल है तो दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1 × 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9। और हम बताए हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं उसमें जो माइनस आया उसको हम घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 73 इसका आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसको हम बताए। और एक और प्रश्न हम लेते हैं और उससे और क्लियर करवाते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन 67 का पावर 54 प्लस 32 का पावर 79 डिवाइडेड बाय 11। ये करना है तो हमको इसका ये दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब इससे एक बड़ा या एक छोटा ले जो इसका मल्टीपल है। तो 66 देख रहे हैं, 67 से जस्ट एक बड़ा नंबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर +1 हो जाएगा। 33 ले रहे हैं, 33 से 32 एक कम है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। प्लस वाले पे पावर तो वो प्लस ही रह जाएगा +1। -1 पे ऑड नंबर पावर है, -1 पे ऑड नंबर पावर है तो -1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 0। यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 रिमाइंडर आने का अर्थ ये हुआ कि ये नंबर इस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल है। यही होता है, अगर किसी संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर पूरा पूरा उस नंबर से डिविजिबल है। और एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 29 का पावर 11 प्लस 70 पावर 11, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 23 से। तो इसको करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, +6 रिमाइंडर। इसको यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 रिमाइंडर। यहाँ पे प्लस है, जस्ट प्लस हो जाएगा, +6 का पावर 11। यहाँ प्लस -6 का पावर 11, 6 का पावर 11 क्या है, ये ऑड नंबर है तो वो -12 आ जाएगा, 11 तो क्या आ गया, 0। तो ये नंबर भी ये नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 आने का अर्थ यही होता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जिसको वो पूरा पूरा डिविजिबल है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक और प्रश्न हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन 79 का पावर 37 माइनस 3 को अगर 80 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमको रिमाइंडर निकालना है। तो 80 से ये छोटा है, एक छोटा है तो -1 हो जाएगा, 3 का 3 होते हैं, -1 का पावर, और जो पावर इस पे है ये रिमाइंडर जो बचा उस पे भी ये पावर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, -1 आ जाएगा। ऑड पावर है -3, ये क्या हो गया, -4। हम क्या बताएं कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं दिया जाता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटा लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 76 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और साइक्लिसिटी के जो थ्योरम थे उसको लेके बनाए थे। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक थ्योरम क्या है। ये बहुत आसान और बहुत छोटा सा एक थ्योरम है जिसे हमारे जो अलजेब्रिक फंक्शन में दिए होंगे और उसका जो रिमाइंडर निकालना होगा वो हम कैसे निकाले वो पता चल जाए। एक है कोई x
का पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ है। इसका हमको फाइंड हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज कीजिए और सवाल आसानी से बन जाएंगे। करना क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवीजर यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या किए, जीरो के इक्वल कर दिए। अब यहां से क्या आ गया, एक्स बराबर 2। अब ये एक्स बराबर जो 2 आया, इस ऊपर वाले फंक्शन जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें क्या करना है, ये एक्स का वेल्यू पुट कर देना है। क्या 2 का पावर 3, यहाँ x के जगह पे 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस 5, x के जगह पे 2 रखेंगे पावर 2 हो जाएगा प्लस 7, तो एक 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस ये 4 पंचे 20 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 35। ये जो 35 बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। हम क्या बताए, जिस नंबर में हम जिससे भाग दे रहे हैं डिवीजर को उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे और वहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, वो एक्स का वैल्यू को डाल देंगे और जो बच जाएगा हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेके हम इसको क्लियर करवाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 15 को अगर एक्स माइनस 3 से भाग दें, फाइंड रिमाइंडर। इसको अगर इससे भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, अभी क्या बताया, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी इससे भाग दे रहे हैं, इसको क्या करेंगे, जीरो के, एक्स माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 को इस वाले एक्सप्रेशन में हम रख देंगे, एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे माइनस 7, एक्स के जगह पे 3 है तो 3 देंगे प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस माइनस है 21 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, 15 9 24 माइनस 21, यहां से क्या आ गया, रिमाइंडर 3। तो यही हमारा रिमाइंडर जो बच जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हमको करना क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल करके और वहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करके और मल्टीप्लाई जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके करने के बाद लास्ट में जो संख्या बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं और यहां से आपको हम क्लियर करवाते हैं। x का पावर 51 प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। तभी क्या होता है, इस वाले जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर यहां से क्या निकल के आया, माइनस 1। अब माइनस 1 को इस वाले एक्सप्रेशन में हम रख देते हैं तो माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा, 51 प्लस 16, तो यहां से ऑड पावर है, माइनस का अगर कोई भी ऑड नंबर या यानी विषम संख्या पावर में हो तो वो माइनस ही माइनस रह जाता है, ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ गया, 15। तो यही हमारा आखिरी का जो इस एक्सप्रेशन को अगर इससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच के आ जाएगा, 15 बच के आ जाएगा। अब आज इस जो है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट जो है प्रश्न हम बताते हैं। एक प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वो इफ एफ एक्स, इसको हम एफ एक्स जो लिखते हैं तो ये कोई फंक्शन को जो एक्स में है उसको दर्शाता है, इससे डरने वाली बात नहीं है। फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k है, इसको व्हेन
डिवाइडेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू लिव्स रिमाइंडर रिमाइंडर टू एक्स टू एक्स फाइंड के, यानी कि ये एफ एक्स एक्सप्रेशन है और हम उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रिमाइंडर क्या दे रहा है, टू एक्स दे रहा है, तो हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम क्या बताएं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो एक्स माइनस दो से हम भाग दे रहे हैं, इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देते, एक्स बराबर क्या निकल के आया, टू। रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर यही दे रहा है टू एक्स, तो यहाँ टू इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, दो, तो दो कर देंगे, तो ये क्या आ गया, चार, यानी कि चार रिमाइंडर दे रहा है। इसको हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो दो का पावर दो प्लस चार का इंटू दो प्लस के, और रिमाइंडर क्या दे रहा है, दो एक्स, और दो एक्स को हम सॉल्व किए तो क्या निकला, चार, तो इसको हम चार के बराबर कर देंगे। हम बराबर क्यों किए, क्योंकि ये अब ये नहीं रहा, ये रिमाइंडर हो गया और ये भी रिमाइंडर हो गया, तो दो रिमाइंडर आपस में बराबर हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चार प्लस आठ प्लस के, तो आठ चार बारह प्लस के बराबर चार, तो के का वैल्यू क्या, यहां से क्या निकल के आ गया, के का वैल्यू निकल के आ गया चार माइनस बारह, यानी कि माइनस आठ। अगर माइनस के बराबर माइनस आठ हो तो जो है ये एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2x। हमको करना क्या था, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस दो से, तो वो क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, 2x, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम अल्जेब्रिक जो थ्योरम है उसमें क्या बताए हैं, जिससे हमको भाग देना होता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं, और जीरो के इक्वल करने के बाद जो वहां से एक्स का वैल्यू आता है उस फंक्शन में हम उसका वैल्यू रख के, और जो कैलकुलेशन करके निकलता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम वो किए, और ये यहां से रिमाइंडर कैन टू इंटू एक्स है, तो हम एक्स का वैल्यू दो निकाले हैं, तो दो यहां भी रख दिए, तो रिमाइंडर यहां से क्या आ गया, चार। ये भी अब इसको, ये भी एक रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, इसको इक्वल कर दिए, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, चार निकल के आ गया। ये के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस आठ। अगर माइनस आठ, के का वैल्यू माइनस आठ रखे और एक्स माइनस दो से डिवाइड करे तो ये टू एक्स रिमाइंडर देगा। तो आज रिमाइंडर थ्योरम का जो ये आखिरी कॉन्सेप्ट था एल्जेब्रिक थ्योरम, उसको हम जाने, हम क्या 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 पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में, एक बार हम इसको बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये सबसे पहले हम जाने कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, बेसिक बेसिक ये जाने, उसके बाद लास्ट वन डिजिट और दो टू डिजिट, दो आखिरी का दो अंक और एक अंक निकालना सीखे, उसके बाद सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या सीखे, सिंपल सिंपल करके हम क्वेश्चंस को बनाए, और सिंपल डिवाइड छोटा बड़ा करके हम वहां से रिमाइंडर निकाले। इसके बाद हम क्या पढ़े, फर्मेट्स थ्योरम, इसके बाद फर्मेट्स थ्योरम, और उसके बाद विल्सन थ्योरम पढ़े, और साइक्लिसिटी थ्योरम या इसी को पैटर्न थ्योरम कहते हैं ये जाने, और इस वीडियो में एल्जेब्रिक थ्योरम को हमने जाना। तो आज रिमाइंडर थ्योरम का ये आखिरी कॉन्सेप्ट जो था एल्जेब्रिक थ्योरम, इसको जाना। अब नेक्स्ट वीडियो इसका, इस कॉन्सेप्ट का आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम सिर्फ 8 से 10 प्रश्न लेके आएंगे और उन्हीं प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, और पूरा रिमाइंडर थ्योरम का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर और भी प्रश्न का आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, हम प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। इस वीडियो को शेयर और चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।